हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ। सामने आप देख रहे हो एक स्ट्रक्चर बनता हुआ, ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? स्टैचू ऑफ यूनिटी का। तो उसी पे मैं वीडियो लेके आया हूँ कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें क्या था कि लीकेज हो रही है स्ट्रक्चर में से, और काफ़ी मतलब कोड डाल के लिखा भी जा रहा है कि जो कंक्रीट है उसमें से लीकेज हो रही है, सीपेज हो रही है अंदर। तो ये मैं आज उसी पे वीडियो लेके आया हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि उसमें लीकेज है कि नहीं है, क्या मतलब कहाँ से लीकेज हो रही है, क्या हुआ है उस स्ट्रक्चर में, तो वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी में कोई मतलब ना तो कंक्रीट में कोई सीपेज हो रही है ना कोई लीकेज हो रही है कहीं से, मतलब अगर बारिश भी पड़ रही है उसके ऊपर तो कोई सीपेज लीकेज नहीं हो रही है। हुआ क्या है, जो अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी आप गए हो या उसकी पिक देखी हुई है तो उसकी चेस्ट पे मतलब एक व्यू गैलरी है, मतलब फ्रंट पे एक गैलरी है। तो उससे क्या हो रहा है, मतलब उसमें हाइट थोड़ी ज़्यादा है, उससे क्या होगा विंड स्पीड वहाँ पर ज़्यादा है, उससे क्या हो रहा है डायरेक्ट पानी अंदर आ रहा है। और उस गैलरी को डिज़ाइन ही उसी हिसाब से किया है कि मतलब लोगों को अच्छे से वहाँ से व्यू मिले। अगर कहा जा रहा है कि वहाँ पे ग्लास लगाना चाहिए था, इसके बैक में ही मतलब व्यू गैलरी के बैक में ही एक गैलरी ऐसी बनाई है जिसमें ग्लास लगाया गया है, और जो फ्रंट गैलरी है उसको ओपन रखा हुआ है अच्छे व्यू के लिए। तो उसी में से पानी जो है डायरेक्ट विंड से अंदर आ रहा है। अभी मैं आपको गैलरी दिखा देता हूँ जो हमारी मतलब ये सामने आप देख रहे हो, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का फ्रंट है। तो इसमें व्यू गैलरी जहाँ दिखा देख रहे हो यहाँ से पानी सीधा अंदर जा रहा है, और सीलिंग का जो बोला जा रहा है मतलब सीलिंग से जो पानी टपक रहा है वो भी विंड की वजह से हो रहा है। इसकी मतलब क्योंकि जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है उसी हिसाब से डिज़ाइन किया, जैसे तुरंत उसमें पानी पड़ेगा वो तुरंत नीचे निकल जाएगा। तो कोई इसमें डिज़ाइन में ख़राबी नहीं है ना आर्किटेक्ट में, बस ये सोशल मीडिया पे एक मतलब फेक न्यूज़ बना के वायरल किया जा रहा है। तो इसके बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब उसमें जो सीपेज हो या लीकेज हो जैसे बारिश होगी, क्योंकि यहाँ लार्सन एंड टर्बो ने लगभग 2,10,000 क्यूमिक यहाँ कंक्रीट यूज़ किया, तो पॉसिबल ही नहीं है उसमें लीकेज या सीपेज हो। तो ये जो हुआ है, जो मतलब ये वीडियो वायरल हो रही है, ये हाई विंड की वजह से मतलब जो पानी अंदर गया है, और ये पानी तुरंत ड्रेनेज भी हो जाता है, तो इसी को वैसे ही डिज़ाइन किया है। तो कोई भी फेक न्यूज़ में आप नहीं आए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई क्योंकि काफ़ी इस पर कमेंट्स आ रहे थे, पूछा जा रहा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो लीकेज हो रही है उसको कैसे मतलब क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, तो उसको मैंने ये क्लियर किया। थैंक यू।